बिस्मिल्लाह रन आज हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे एडवर्ब सब सबसे पहले द वर्ल्ड एडवर्ब लफ्ज़ जो है ये मिडल इंग्लिश में लेट मिडल इंग्लिश में ये अंग्रेज़ी में राइज हुआ एडवर्ब के नाम से और अब भी जारी है ये नाम अब भी दिया जाता रहा है एडवर्ब वर्ड जो है ये एक लेटिन लफ्ज़ से बना हुआ है एडवर्बियम एडवर्बियम जो लेटिन लफज है लाचीनी जुबान का ये एड मीन्स टू और वर्बियम विच मीन अ वर्ल्ड आर अ वर्क टू अ वर्ब आर टू अवर्ल्ड तो एडिंग समथिंग टू एड समथिंग टू वर्प आर टू एड समथिंग टू अवर्ल्ड किसी लफज के बारे में कोई चीज एड करना डिफिनीशन ये है इसका कि ये एक वर्ड कैटेगरी है एक वर्ड है विच मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब्स आर एड टू अ वर्ब एन एजेक्टिव एन एडवर्ब अ प्रिपोजिशनल फ्रेज आर सेंटेंस किसी वर्ब को किसी एडवर्ब को किसी एडजेक्टिव को किसी, 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 किसी प्रिपोजिशनल फ्रेज को और किसी सेंटेंस को इवन माना देता है उसे डिस्क्राइब करता है उसके मीनिंग को उसके माने को चेंज करता है ये कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है और पार्ट ऑफ स्पीच है फाइव यूजेस है इसके इस डिफीनिशन से भी वाजह होता है कि एडवर्क के पांच यूजेस है पांच इसके अफाल है पांच काम करते हैं सबसे पहला ये है कि मॉडिफाइज वर्ब्स वर्ब्स को चेंज करते हैं इनके मीनिंग्स को चेंज करते हैं दूसरी बात यह है कि दे माडिफाई एजिकटिवस इसमें सिफत एजिकटिव के को मॉडिफाई करता है उनकी मीनिंग को चेंज करता है तीसरा यह है कि दे मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं चेंज करते हैं चौथा यूज़ यह है कि दे मॉडिफाई प्रिपोजिशनल फ्रेज प्रिपोजिशनल फ्रेज को मीनिंग देता है उनकी मीनिंग को चेंज करता है और पांचवा यह है कि सेंटेंस को नया मीनिंग देता है अब इन पांच यूज़ेस के बारे में पांच यूजेस के हवाले से पांच मिसालें दिए जा रहे हैं पहला मिसाल ही रन क्विकली रंस वर्ब है यहां और क्विकली एडवर्ब है रनस मॉडिफाई करता है ही रन क्विकली क्विकली यह एडवर्ब है जो कि वर्ब यानी रन को मॉडिफाई करता है ही रन वो दौड़ता है लेकिन जब आप क्विकली लगाते हैं तो रन का मीनिंग चेंज होता है कि तेज़ दौड़ना दौड़ना और तेज़ दौड़ना दूसरी मिसाल शी इज वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एजिकटिव है शी इसमें नॉन है इसमें सिफत ब्यूटीफुल है और वेरी जब इस्तेमाल होता है तो ब्यूटीफुल को चेंज करता है वो खूबसूरत है वो बहुत खूबसूरत है तो मीनिंग चेंज हो गया तो यहाँ एजिकटिव को मॉडिफाई करता है तीसरी मिसाल में एडवर्ब को मॉडिफाई करता है फिनिश्ड टू क्विकली क्विकली एडवर्ब है और टू जब इसके साथ लगाया जाता है तो क्विकली का मीनिंग चेंज होता है तो यह मॉडिफाई करता है एडवर्ब को चौथी मिसाल प्रीपोजिशनल फ्रेज को यह कैसे मॉडिफाई करता है वेंट टू स्कूल वेंट टू स्कूल टू स्कूल वेंट फास्ट टू स्कूल यहाँ फास्ट बोला बुल, गया ही इवेंट फास्ट टू स्कूल हीवेंट स्लोली टू स्कूल फास्ट और स्लोली यह अगर लगाया जाए तो वो टू स्कूल यह प्रिपोजिशनल फ्रेज है यह भूल गया हूँ मैं ही इवेंट स्लोली टू स्कूल वो आहिस्ता स्कूल गया ही इवेंट टू स्कूल टू स्कूल प्रिपोजिशनल फ्रेज वेंट और यह प्रिपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम देता है एडवर्ब ऑफ है यहाँ तो ही वेंट स्लोली टू तो स्कूल वो आहस्ता स्कूल गया पांचवा मिसाल जो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है फॉर्चुनेटली ही एराइड वेल इन टाइम फॉर्चुनेटली एराइड वेल इन टाइम इस सेंटेंस को मॉडिफाई करता है अगर हम कहें ही एराइड वेल इन टाइम वो ठीक वक्त पे आ पहुंचा तो एक माना होगा अगर हम कहें फार्चुनेटली ही अराइव वेल इन टाइम तो ये खुशकस्मती खुशकस्मती के बाद थी कि वो बिल्कुल ठीक वक्त पे आ पहुंचा। फिर टाइप्स है एडवरब के तो एडवर्ब के बेसिकली तीन टाइप्स है तीन अकसाम हैं पहला जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर के लिहाज से समथिंग एड करता है कुछ एडिशन करता है वर्प के साथ और वो वर्ब के साथ जो एडिशन होता है वो मैनर शो करता है मसलन शी गेट्स अप अर्ली गेट्स अप गेट यहां है प्रीपोजिशन है उठना गेट अप उठना अर्ली तो ये मैनर शो करता है कि वो सवेरे उठती है दूसरी किस्म का एडवर्ब एडवर्ब ऑफ प्लेस है मिस जो प्लेस को जाहिर करता है मसलन, they went to टू पेशावर यहां प्रिपोजिशनल फ्रेज भी है और यह एडवर्ब का, का काम करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस है देन एडवर्ब ऑफ टाइम है ही एराइव्ड इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग प्रिपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम का काम देता है तो ये प्रिपोजिशन एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया फिर वन टू एवॉयड एडवर्ब एडवर्ब को हम कहा एवॉयड कर सकते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है एडवर्ब को अवॉइड करना एडवर्ब के बगैर इंग्लिश लिखना बहुत मुश्किल काम है अंग्रेज़ी के राइटर्स में अर्नेस्ट हेमिंगवे एक मशहूर नोबल लारीट भी है ओल्ड मैन एंड द सी फेयरवेल ट्राम्स ये उसकी मशहूर किताबें हैं आसान इंग्लिश में वो बेहतरीन कहानियाँ सुनाता है और उसने नोबल प्राइज़ भी जीता है एंड ही हेट्स एडवर्ब एडवर्ब से वो बहुत नफरत करता है लेकिन बाज मकाम ऐसे आते हैं कि ही इज़ कम्पेल्ड वो मजबूरन मजबूर हो जाता है कि वो एडवर्क को इस्तेमाल करें तो चाहे कितना हम कितनी नफरत भी हमें एडवर्ब से भी हो कितनी नफ़रत भी हो लेकिन हमने एडवर्ब को इस्तेमाल करना होता है लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि एडवर्ब के इस्तेमाल को कम कर ले और एडवर्ब के इस्तेमाल को कम करने का वाद और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जहाँ जहाँ एडवर्ब इस्तेमाल होता है उन मकाम पर स्ट्रांग वर्ब्स और स्ट्रांग एजेक्टिवस को इस्तेमाल किया जाए तो इससे स्ट्रांग सेंटेंसेस भी बन जाएंगे यही सब कुछ था एडवर्ब के बारे में जो कि एक पार्ट ऑफ़ स्पीच था अब तक हम नाउन डिस्कस कर चुके एजेक्टिव डिस्कस कर चुके वर्ब डिस्कस कर चुके और आज हम एडवर्ब भी डिस्कस कर चुके तो हाफ़ ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच आउट ऑफ एट आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने चार डिस्कस कर लिए हैं और बाकी मानदा जो चार है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस होंगे और फिर हम टेंस पे जाएंगे टेंसेज बुनियादी इंग्लिश में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं तो टेंसेज के लेक्चर्स को न भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब सबस्क्रा, करके बेल आइकन को दबाइएगा थैंक यू वेरी मच